नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड जो हमारे पास है दैट इज़ ग्रोथ ऑफ़ ई कॉमर्स जिस तरीके से यू ऑल नो दैट ई कॉमर्स विच इज़ बाइंग एंड सेलिंग बहुत तेज़ी से तमाम कंट्रीज़ के अंदर ग्रो कर रहा है बट देर आर कंपनीज आज के दिन में भी जो कि स्टिल ई कॉमर्स के बेनिफिट e को ई e कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स को सेल करने के लिए कस्टमर को अप्रोच करने के लिए कस्टमर को कन्वीनियंस देने के लिए सो दिस इज़ वन ऑफ दी की ट्रेंड आज के दिन में कि जहाँ पर ये वाला सोलूशन मौजूद है कि कस्टमर को आप ओवर द नेट जाके भी सेल कर सकते हैं सो ग्रोथ ऑफ़ ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स देन नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है द स्टोर गेट्स अब मेक ओवर नॉर्मली सारी दुनिया के अंदर अगर हम ट्रेवल करते हैं तो यू विल फाइंड के जो स्टोर्स हैं वो बॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर्स हैं दे आर नॉट ब्यूटिफुल दे डू नॉट लुक लाइक अ ब्यूटिफुल स्टोर्स जबकि आज के दिन में अगर आप किसी भी स्टोर्स को इवेल्यूएट करें किसी भी रिटेलर को इवेल्यूएट करें सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ मेक ओवर आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ हुआ है बेशक वो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए है जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है रिसेंट ट्रेंड में से कि आपको यू हैव टू क्रिएट सम एक्सपीरियंस जोन फॉर द कस्टमर यू हैव टू क्रिएट लाइवलीनेस फॉर योर फॉर योर कस्टमर ताकि वो स्टोर आए वो कनेक्टेड रहे आपके स्टोर के साथ सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स दैन थर्ड रिटेलिंग ट्रेंड हमारे पास है एथ लयर के हवाले से दिस ट्रेंड इज ग्रोइंग ऑल्सो बहुत रैपिडली अगेन इस कॉन्सेप्ट के अंदर वॉलमार्ट बहुत तेजी से काम करें दिस इज एक्चुअली एथलेटिक्स का बिज़नेस एथलेटिक्स के हवाले से प्रोडक्ट्स सो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि शूज़ सर सर नाइकी काम कर रहा है एडिडास काम कर रहा है तो ये वो ब्रांड्स हैं जो कि इस रिटेलर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वालमार्ट प्लेटफॉर्म लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कारफोर ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पर एक रिटेलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस मर्ज का हो रहा है क्योंकि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पेशली इकोनॉमीज़ लाइक यूरोप इकोनॉमीज़ लाइक यू एस के जहाँ पर अब अवेयरनेस स्टार्ट हुई है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कॉन्शियसनेस की अब वो बर्गर को छोड़ के नाउ दे आर मूविंग टू द डाइट साइड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी एक्सरसाइज सो ये, ये बिजनेस जो है इज इंक्रीजिंग इज टेकिंग पेस एवरीवेयर एंड सेम इट विल हैपन इन एशिया वे बी इन टू थ्री ईयर्स टाइम सो ये शायद साइकिल का डिफ्रेंस तो हो सकता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बट दिस इज वन ऑफ दी की ट्रेंड्स नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है वे टू फाइंड द ग्रोथ और उसमें हम बात कर रहे हैं ऑफ प्राइसर्स की जहां तमाम बिजनेस मॉडल जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से ग्रो कर रहे हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ जो आपको नजर आएगी वो ऑफ प्राइसर्स की नज़र आएगी सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स कि पर उनकी नंबर ऑफ स्टोर्स की ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है आई नो लॉर्ड ऑफ ऑफ प्राइस स्टोर्स के जो कि शायद एक ही साल में दो दो तीन तीन, -तीन सौ स्टोर्स ओपन करने जा रहे हैं आने वाले कमिंग ईयरस में तो इसी तरीके से हमारे पास ये वाद ऑफ़ प्राइस ही हैं जो कि बिजनेस के हवाले से भी ग्रो कर रहे हैं 50, 60 परसेंट ऑफ़ द सेल शेयर दे आर गेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड क्योंकि कस्टमर को सेम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं और कस्टमर को एक अच्छा प्राइस के अच्छी प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स के जहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यूर बी योर बिजनेस एज ए रिटेलर यू हैव टू एंटर इन टू दिस ऑफ प्राइसिंग सेगमेंट बेशक वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की सूरत में हूँ बट यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है केयरिंग इकोनॉमी का आज के दिन में कस्टमर आपको नॉलेज में है कि वन ऑन वन रिलेशनशिप फोकस्ड है विच मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ केयरिंग इकोनॉमी कस्टमर इज लुकिंग फॉर द कस्टमर ऑफ जनरेशन जेड इज लुकिंग फॉर केयर द कस्टमर इज लुकिंग फॉर प्रॉपर अटेंशन प्रॉपर टाइम प्रॉपर नॉलेज एंड ही इज लुकिंग फॉर कि उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करें एंड देन यू सेल यूर प्रोडक्ट So if he is properly convinced, then he will be part of your product. He will be part of your business. He will be part of your loyalty business. And he will be part of your no, no, the, whole, the whole economy in general. Otherwise, wo aapka kabhi bhi business ka hissa nahi ban if you will not give him the care. So upcoming, upcoming trend ke taur per, normally companies have to focus this care part because they customer is looking for expecting the same.

ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर कनेक्ट रहे रिटेलर के साथ क्योंकि जब उसकी एक दफ़ा पॉइंट्स मिल जाएंगे नाउ ही है समथिंग इनसाइड इन के मैं दोबारा शॉपिंग करूं और इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकूं मजीद पॉइंट्स लूं और फिर रिडीम कर सकूं सो वन ऑफ द रीसेंट ट्रेंड में से इमर्जिंग ट्रेंड में से ये बड़ा ज़रूरी है रिटेलर्स के लिए कि वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर फोकस करें देन नेक्स्ट ट्रेंड इज इन्वेस्टमेंट इन ओमनी चैनल्स ओबनी चैनल क्या है कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस देना सो एवरी वन एवरी रिटेलर हैज़ टू फोकस इस बात के ऊपर कि हाउ दे कैन प्रोवाइड सीमलेस एक्सपीरियंस टू द कस्टमर बिकॉज इफ दे विल नॉट डू सो दिस इज कस्टमर एक्सपेक्टेशन देन देर विल बी ह्यूज गैप और जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा रिटेलर उतना ज़्यादा बिजनेस लॉस करता जाएगा कस्टमर लॉस करता जाएगा और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को भी लॉस करता जाएगा देन नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है एक्सपीरियंस इकोनमी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली अगर आप नोटिस करें कस्टमर आज के दिन में इज़ लुकिंग फॉर ज़्यादातर के वो स्पेंड करें प्रोडक्ट के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर तो रिसर्च ये कहती है कि ओवर सिक्सटी परसेंट ऑफ द यंग जनरेशन यंग कस्टमर्स जनरेशन जेड कस्टमर्स आर विलिंग टू स्पेंड ऑन द एक्सपीरियंस रादर देन ऑन द प्रोडक्ट सो so, टूरिज़म है ट्रेवल है एक्सपीरियंसेस हैं ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो कि बहुत तेजी से डबल डिजिट ग्रोथ के साथ एग्जिस्ट करें सो व्हाट रिटेलर्स हैज़ टू डू दे हैव टू फोकस ऑन गिविंग द एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है दैट इज़ मोबाइल पेमेंट सोलूशन का बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है सारी दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी क्योंकि रिटेलर आज के दिन में अगर पाकिस्तान में सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी मॉडल के ऊपर या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मॉडल के ऊपर ही चलता रहेगा सो देन इसका मतलब यह कि ही विल बी बिहाइंड द वर्ल्ड सो इंटरनेशनली वर्ट द ट्रेंड इज़ यू हैव टू गिव मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन जिस तरीके से चाइना के अंदर यू कैन पे एनी और एवरी फ्रॉम योर मोबाइल जिस तरीके से यूरोप में इफ यू वॉन्ट टू पे यू कैन पे एनी और एवरी थ्रू योर मोबाइल यू वॉन्ट टू गेट अ राइड ऑन द बाइक जस्ट पे थ्रू द मोबाइल और यू वॉन्ट टू बाई एनी थिंग फ्राम अ रिटेल स्टोर यू कैन पे फ्रॉम योर मोबाइल वॉलेट सो दिस इज़ वन ऑफ द इमरजिंग ट्रेंड्स में से इसी तरीके से डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेम डे डिलीवरी इज लुकिंग फॉर विच इज़ द ट्रेंड बहुत सारे स्टोर बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं ऐसे थे जो कि कैश ऑन कैरी मॉडल के ऊपर काम करते रहे मीन्स कस्टमर हैज़ टू कम एंड पिक द प्रोडक्ट जबकि आज के दिन में द इमरजिंग ट्रेंड इज़ कि उनको ना सिर्फ डिलीवरी प्रोवाइड करनी है ऑफ द प्रोडक्ट बल्कि सेम डे डिलीवरी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जिस तरीके से अभी बहुत सारे अमेजोन ने स्टार्ट किया लेट मी गिव वन वेरी गुड एग्जांपल कि अमेजोन ने डिलीवरी स्टार्ट की वाया आर ड्रॉन विच मीन्स यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स विद इन फ्यू आवर्स एट योर प्लेस द ऑब्जेक्टिव क्या है बिकॉज कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर रिटेलर के साथ तो वो इट शुड बी मेट सो ये बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है और फोकस्ड रिक्वायर्ड करता है नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड है दैट इज डेटा सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटा कस्टमर के डेटा मौजूद है रिटेलर के पास उसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी कम नहीं होगी सो so, वो तमाम रिटेलर्स जिनके पास डेटे के हवाले से कोई कंसर्न है जिनके पास डेटा का बैकअप नहीं है स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पर कस्टमर डेटे के ऊपर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता तो बहुत ज़रूरत है बिकॉज डेटा हैज़ इज़ रोल बिकॉज यू विल देन गेट टू नो कस्टमर मुझसे क्या बाय कर रहा है कस्टमर मुझसे कब बाय कर रहा है कस्टमर मुझसे क्यों बाय कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा है तो देर कैन बी थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन कस्टमर डेटा अवेलेबल सो द रिस ट्रेंड इज दैट यू हैव टू फोकस और कीप ऑन फोकसिंग ऑन द डेटा वॉलमार्ट अक्सर बात करता है एज ए रिटेलर कि आवर वन ऑफ द सक्सेस ड्राइवर्स इज द डेटा वी हैव ऑफ द कस्टमर्स देन वी हैव